एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने अपना पहले वाला व्लॉग का एंड किया है एंड सेकंड व्लॉग मैंने अपना कंटिन्यू कर लिया है। और आप लोगों को बताऊं मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी फेवरेट जगह, मुझे वो जगह बहुत पसंद है और शायद आप लोगों को भी पसंद ही आएगी। तो हम लोग जा रहे हैं खेत पे और वहाँ पे बाग हैं, ट्वेल हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मामा के घर आके मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। मुझे पता है हम चारों लोग बैठे हुए हैं स्कूटी पे, ये सेफ़ नहीं होता है, लेकिन एक तो रोड भी खाली, एक तो जंगल की रोड है और मामा जी थे नहीं, तो हम लोगों को स्कूटी के ही दो चक्कर काट के आने पड़े हैं। मम्मी को पहले ही छोड़ आए थे। देखिए आप लोग देखिए खुद कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, सच में बहुत प्यारा है। यहाँ पे ज़्यादातर ना आमों के बाग ही हैं, और क्योंकि ज़्यादातर सब यहाँ पे आमों के बाग ही लगाते हैं। और पता है इतने पेड़ों के नीचे काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी, मतलब गर्मी भी है पता ही नहीं चलता क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हम लोग घर में रहते हैं, हमें कहाँ पता रहता है कि सच में बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। कुदरती जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो भाई बहन बातें करते हुए जा रहे हैं, बातें क्या लड़ाई चल रही है यहाँ पे। लड़ाई का मुद्दा ये है कि उज्जवल बोल रहा है कि वो चलाएगा स्कूटी, लेकिन सेफ नहीं है क्योंकि वो बच्चा है। इसलिए मेघा बोल रही है कि भाई तू आगे बैठ जा, स्कूटी चलाऊंगी तो मैं ही। उसे समझा रहे हैं प्यार से। ये मम्मी ने 12 में एंटर कर दिया है। मम्मी के रिएक्शन देखिए, पानी बहुत ज्यादा चिल है। मम्मी को बहुत ठंड लग रही है। मुझे वीडियो देख के बहुत हंसी आ रही है क्योंकि मम्मी को सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड था, तो मम्मी को एकदम कपकपी सी हो गई। देखो वो मना कर रही थी कि भाई मुझे बाहर निकालो, लेकिन बच्चों ने निकलने ही नहीं दिया। जो है पहुंच गए हैं, लेकिन मम्मी ये सब लोग 12 में बढ़ गए हैं, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड है। तो मैं और मेघा बाहर ही बैठे हुए हैं कि भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की। और बार बार मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहे थे, तो मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। और ये मेरी बहन है सबसे छोटे वाले बुलबुल, ये बढ़ती सबसे पहले है और निकल सबसे जल्दी जाती है, क्योंकि हम लोग जब गए थे वहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा था, तो मौसम पहले से ही ठंडा हो रहा था, ऊपर से ठंडा ठंडा पानी तो ठंड लगा। यहाँ पे 12 पे आके बैठी थी कि मैं थोड़ी देर में कूद जाऊंगी, लेकिन मेरे भाई को सबर ही नहीं हो रहा, उसने मेरे ऊपर पानी डालना चालू कर दिया। मैं बोल रही थी भाई मैं खुद कूद जाऊंगी, और मैं जैसे पानी के अंदर कूदी भाई, इतना ठंडा पानी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना ठंडा पानी। एक तो बहुत ही ज्यादा ठंड वैसी हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बारिश पड़ी थी, शायद हल्की हल्की पड़ी थी हमारे आने से पहले, और ऊपर से ये 12 का तो आप जानते ही हैं कि ताज़ा पानी कितना ज्यादा ठंडा होता है। 12 का पानी बहुत ठंडा होता है, जो हमारी टंकी का पानी होता है ना वो तो बहुत गर्म लगता है, इस पानी के सामने बहुत ठंडा पानी होता है। तो गाइस कैसे हो आप सब, मैं अंशु की बहन हूँ, छोटी उसके मामा जी की बेटी, और अंशु आज हमारे घर पे आई हुई है। और देखो हम सबसे पहले आने के बाद उसका सबसे पहले रिएक्शन होता है जंगल चलना, 12 पे नहाना। और देखो और अभी भी ये देखो 12 पे नहा रही है, मोटी देखो 12 के अंदर। मैं आप सबको दिखाती हूँ ये सब कैसे 12 पे एंजॉय कर रहे हैं। Hold me close till I get up, time is barely on our side. ये है वो आम का बाग, बिल्कुल 12 के बिल्कुल साइड में ही है। और जब भी भूख लगती है हमें तो हम यहाँ से आम तोड़ के खा लेते हैं, लेकिन अब तो इस पे आम है नहीं। जब मैं एक डेढ़ महीना पहले आई थी तब इस पे कच्चे आम थे, अब सारे आम पक गए हैं, तो इसलिए सारे आम जो यहाँ पे रहते हैं इनकी केयर करते हैं, उन्होंने सारे आम तोड़ लिए हैं, कुछ अपने आप ही टूट गए हैं। कभी इन पेड़ों के नीचे बैठ के देखना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अब घर पे जा रहे हैं हम लोग, और मम्मी को और बुलबुल को जो है मेघा पहले ही छोड़ के आ गई है। जो था हम सारे भाई बहन जब यहाँ पे आते हैं ऐसे ही इंजॉय करते हैं, है ना मेघा? बिल्कुल। तो आज का व्लॉग ज्यादातर मेघा ने ही बनाया है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आके भूल ही गई। 12 पे आके मुझे कुछ याद नहीं रहता क्योंकि हमारे घर पे नहीं है ऐसा कुछ भी,
वहाँ मुझे गांव जैसा माहौल भी नहीं लगता वहाँ का, वो सिर्फ नाम के लिए गांव है, गांव है ही नहीं वो। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से घर जाके, क्योंकि मुझे होती है उतनी मेरे भाई को भी होती है ना, क्योंकि ये बेचारा हमें लेने के लिए वहां पे पहुंच गया सुबह कि दीदी अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। और पता है ये बोल भाई बुलबुल पढ़ रही है, क्योंकि बुलबुल का एग्जाम है कल का, मैथ का एग्जाम है, तो वो पढ़ाई कर रही है। और इसी वजह से हम उसे ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे 12 पे बहुत जबरदस्ती करके ले गए। वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम लोग लेके चले गए। मन था कि भाई चलो चलो चलो। और यहाँ पे नानी जी हैं, ये मेरी नानी जी हैं। और सागर है ना बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन अभी जो बोलते हैं नया नया है, सागर की तरह शर्मा रहा है, लेकिन जब ये बोलने पे आता है ना बिल्कुल ही मेरे, जब ये और सागर मिल जाए ना मेरा बिल्कुल जीना हराम कर देगा। देखो अब भी कैसे कर रहा है, दोनों जब मिल जाते हैं मेरा बिल्कुल जीना हराम। देखो असल में क्या है कि मैं बच्चों के साथ हमेशा घुल मिल के रहती हूँ, हमेशा है ना बोलो जो है ना, हमेशा मैं कभी बच्चों के साथ मतलब ऐसा बिहेव नहीं करती बड़ी हूँ या मैं कुछ करती हूँ। वो तो कभी कभी करती हूँ, जब लिमिट क्रॉस करने लगते हैं तो भाई मुझे दिखाना पड़ता है कि मैं बड़ी हूँ, भाई तुमसे ऐसे कैसे कर रहे हो, है ना। बच्चों के साथ कभी कभी थोड़ा टाइट होना पड़ता है। यहाँ पे जो है अंशु लकड़ियां निकाल रही थी, इसका नाम भी अंशु ही है और मेरा नाम भी अंशु ही है, तो दोनों का नाम अंशु ही है। और ये यहाँ पे लकड़ी निकाल रही थी, गांवों में चूल्हे अभी जल जाते हैं, तो मैं इसे बोल रही थी कि भाई मैं भी निकाल। वो बेचारी मुझे बहुत मना कर रही थी कि दी मत निकालो मत निकालो, लेकिन मुझे पूरा मजा आ रहा था। और पता है मैं अभी यहाँ पे गिर जाती, एक लकड़ी को मैं बहुत टाइट तरीके से खींच रही थी कि वो निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि बहुत सारी लकड़ी थी और मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे पूरा जोर लगा रही थी कि वो निकल जाए, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। और जब वो निकली ना, मेरा बैलेंस देखो, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर जाती, तो सब लोग मुझ पे बहुत हंस रहे थे कि दी तुम अपने गिर जाती चोट लगवा लेती। पे जो है बुलबुल जो है पढ़ाई कर रही है, कल को इसका मैथ का एग्ज़ाम है, तो उसी की ये तैयारी में लगी हुई है। और मेघा इसे पढ़ा रही है, क्योंकि मेघा पढ़ा लेती है दोनों बहन भाई को, बड़ी बहन है इनकी तो इन्हें अच्छे से पढ़ा लेती है। और इसका कल को एग्ज़ाम है, ये घबराती बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा लेती है। हम लोग इसे बहुत समझाते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नाना जी के पास आके बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे शाम के टाइम घर के बाहर आके बैठ जाओ और आने जाने वाले लोगों को देखते रहो। हल्की हल्की सी गर्मी भी लग रही थी, और मैं नाना जी पूछ रहे थे कि घर में सब कैसे हैं, मेरे बाबा जी कैसे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं कि सब लोग वहाँ पे कैसे हैं। और बुलबुल जो है वो पढ़ाई कर रही थी, तो इसी वजह से हम सारे भाई बहन बाहर आ गए। मेरी बहन तू पढ़ ले, कल को तेरा एग्ज़ाम है, वो अच्छे से हो जाए, सारी टेंशन
ख़त्म हो जाएगी और बहुत मन लगता है यहाँ पे। आप सब लोगों के मामा के यहाँ पे भी ऐसी ही होता होगा। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।